ट्रैक्टर किसान की शान। सुनो सुनो सुनो, किसानों को न्योता, गांव वालों को न्योता, न्योता मेले में आने का, ट्रैक्टर के बारे में समझने और समझाने का। सुनो सुनो सुनो, चलो भाई सारे किसानों को मिला, हरिया को मिला। सुनो सुनो सुनो, मेला बहुत निराला है, कई हल खोजने वाला है, हर बात का हल सुनेंगे कल, धीरज रखे तो कुछ पल। अरे मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुम भी आना। हाँ हाँ, मैं भी जरूर आऊंगी। भगवान बैठ जा, सरपंच जी आ गई। देखिए ट्रैक्टर मेले में आप सबका स्वागत है। सरपंच साहिब धन्यवाद। आज की हमारी बैठक का हीरो है ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर किसान का दमदार साथी। जी सही बात है। तो अब आगे की बात हम सुनेंगे हमारे बीच में आए हमारे विशिष्ट विशेषज्ञ से। हाँ तो गांव वालों, किसानों, क्या हमने सोचा कभी ट्रैक्टर काला धुआं छोड़ता है क्यों? डीजल बहुत पीता है क्यों? अभी कभी ना सोचा। इसका हल बहुत सरल है, नियमित रूप से इंजन का रखरखाव करें, नियमित समय पर एयर और ऑयल फिल्टर बदलें। अरे तभी तो हो सकेगी 25% तक ईंधन की बचत। 25%? हाँ, और गांव वालों एक बात और, सही गियर में यदि ट्रैक्टर चलाएंगे तभी 30% तक ईंधन बचाएंगे। 30% हो गया है। बाबूजी हाँ, मैं तो अपने ट्रैक्टर का रख रखाव भी करता हूँ, ईंधन फिर भी बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों? हाँ बात तो है। अच्छा ये बताइए, हाँ? कहीं आपका टायर तो घिसा हुआ नहीं है? टायर? हाँ? हो सकता है बाबूजी। तो इसे जांचने का सबसे आसान तरीका है। वो क्या? देखिए टायर पर बने हुए निशान गहरे हैं या नहीं, हाँ? और टायर में ठीक से हवा भरी है या नहीं। अच्छा हाँ। बाबूजी, मेरे ट्रैक्टर का रख रखाव भी होता है। अच्छा। सही गियर पर चलाता हूँ एकदम ठीक, टायर भी ठीक है मेरे। मेरी समस्या एकदम अलग है। वो क्या? मेरे ट्रैक्टर से डीजल की बूंद बूंद टपकती रहती है बाबूजी। अच्छा अच्छा, बर्बादी है। तो भाई इसके लिए आप जांच करवाएं कि तेल की टंकी या पाइप की जोर से तो डीजल लीक नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, उसको ठीक करवा लें, क्योंकि 1 सेकंड में अगर एक बूंद डीजल का रिसाव होता है तो 1 साल में लगभग 2000 लीटर डीजल का नुकसान हो सकता है। क्या बात कर रहे हो बाबूजी, 2000? और हाँ एक बात और, जब ट्रैक्टर को ज्यादा देर रोकना पड़े तो इंजन बंद कर दे। हाँ, मैं तो करता हूँ। बैटरी डायनामो और सेल्फ स्टार्टर की समय समय पर जांच करते रहे, जिससे ट्रैक्टर बिना परेशानी के स्टार्ट हो सके। ये भी सही है। समझ गए सब लोग? हैं? हाँ। और अब आपको कुछ और जरूरी बातें बताएंगी हमारी महिला सरपंच जी। सरपंच जी आ गई फिर से। जी, धन्यवाद आप सभी का। मैं आपको केवल 2 ही बातें कहूंगी। देखिए पहली बात, धूल। धूल आपके इंजन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ट्रैक्टर के इंजन में धूल वाली गंदी हवा या गंदा फ्यूल ना जाने दें। सही बात है। एयर फिल्टर को नियमित रूप से साफ करें, या जरूरत पड़ने पर उसे बदल भी सकते हैं, और फ्यूल फिल्टर को नियमित समय पर बदलें। हाँ करते हो तुम।
और दूसरी बात ये कि खेत पर जुताई की योजना पहले से ही बना ले, यूं ही जुताई शुरू ना कर दे, इंजन की क्षमता के अनुसार ही ट्रैक्टर में खेती का उपकरण इस्तेमाल करे, इससे करीब 20% तक ईंधन की बचत होगी। नाना जी, हाँ बेटा, हम इस मेले के बाद तो काले धुएं वाले टेम्पो में नहीं जाएंगे, धुएं से हमारे गांव में प्रदूषण बढ़ता है। सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक और बात नाना जी, ये मेला था बड़ा निराला। हाँ, क्यों निन्नी? ये मेला था बड़ा निराला। ये मेला था बड़ा निराला।